नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली का विवादित बयान सामने आया है। भारत के 3 इलाकों को उन्होंने नेपाल का हिस्सा बता दिया है। एक बार फिर से, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पाथुरा नेपाल का है, ये कहते हुए नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली, इनको ये याद क्यों आई है? क्योंकि नेपाल में चुनाव हो गए, नेपाल में चुनाव आ गए। केपी ओली ने नेपाल चुनाव में इसको मुख्य मुद्दा बना दिया है। 20 नवंबर को नेपाल में केंद्रीय सदस्य प्रतिनिधि सभा का चुनाव होना है और उसको लेकर केपी ओली ने इसको एक बार फिर से मुद्दा बना दिया है। 1962 में नेपाल को इजाजत बिना, नेपाल को सहमति बिना भारत ने कालापानी में फौज राख्यो, नेपाल को भूमि हो। पहिले हामीले भोक्सलन गरेका प्रमाणहरू छन् हामीसँग, त्यहाँबाट तिरो उठाएको प्रमाण छ, त्यहाँको जनसङ्ख्याको रेकर्ड छ, त्यहाँका जनताले 15 सालको इलेक्सनमा भोट हालेका थिए, त्यो नेपालको भूमि हो। सुगौली सन्ध्या अनुसार यो चुनावी स्टन्ट हो र यो केही भोट पाउनका लागि गरिएको कुरा हो र यो त हामीले हाम्रो भौगोलिक अखण्डता। और आइए आपको दिखाते हैं कि कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा कहाँ मौजूद है और नेपाल के कितने नज़दीक है और क्यों ये भारत की जो टेरिटरी है उसको नेपाल अपनी बताने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये भारत, ये नेपाल और ये चाइना, जिसकी गोद में बैठकर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ये बातें कर रहे हैं। हम ये देखिए, लिम्पियाधुरा, कालापानी और ये जो हम आपको यहाँ पर बता, लिपुलेख जिसकी हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला, यहाँ पर ये इलाके पड़ते हैं और ये भारत की टेरिटरी है। तीनों इलाके भारत नेपाल बॉर्डर पर मौजूद हैं लेकिन भारत का हिस्सा है। महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपाल का वो कहने का वो दावा करता है, भारत का दावा। महाकाली, भारत, महाकाली नदी उत्तराखंड के कालापानी से निकलती है इसलिए ये भारत का हिस्सा है। 2020 में क्या हुआ, नेपाल ने राजनीतिक नक्शा पेश किया जिसमें तीनों हिस्से उसने नेपाल में दिखा दिए, जबकि ये तीनों हिस्से भारत का हिस्सा हैं। पिछले हफ्ते केपी ओली ने भारत नेपाल बॉर्डर पर एक जनसभा भी की थी जहां पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उनकी पार्टी ने कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को लेकर चुनावी कैंपेन चलाया था।